ओके, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 17, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 17 मैंने होमवर्क दी थी, इसको एक बार डिस्कस करते हैं। और जिनके पास प्रिंट आउट नहीं है रिकॉर्डिंग में, वो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 17 का ऑब्जेक्टिव शीट के प्रिंट आउट और साथ में उसके सॉल्यूशन के प्रिंट आउट भी साथ में लेना प्लीज़। तो परफेक्टली स्ट्रेट पोर्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म रोप, सबसे पहले ये बताओ कि कितने लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई किया और समझ में भी आ गया ठीक। और चलो फिर डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या गिवन है कि एक रोप है, स्ट्रिंग है, जिसका मास कितना है एम और लेंथ कितनी है एल। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि एक पॉइंट एंड पॉइंट ए है, एक एंड पॉइंट बी है, एंड पॉइंट ए पे टेंशन टी ए है, एंड पॉइंट बी पे टेंशन टी बी है, टी ए टी बी ठीक। नेक्स्ट आपको बताना है कि इस पॉइंट पर टेंशन क्या होगी जब इसकी लेंथ यहां से कितनी है एल बाय फाइव। तो ये लेंथ कितनी है 4/5 एल, कोई डाउट इसमें? तो यहां पर मुझे टेंशन निकालनी है। अब क्योंकि इसका मास है तो टेंशन हर पॉइंट पर चेंज होगी, टेंशन यहां पर क्या होगी, जो भी होगी होगी पेयर में, मान लो टीसी एंड टीसी, इक्वल एंड ऑपोजिट टेंशन है और पेयर में ली मैंने, कोई डाउट इसमें ठीक। अब एक काम और करते हैं, इस पोर्शन का मास निकालते हैं। अब इतने पोर्शन के मास के लिए अगर लेंथ पूरी स्ट्रिंग की एल है तो मास बोलो कितना है एम है, अगर वन है तो बोलो एम डिवाइडेड बाय एल है, और अगर लेंथ एल बाय फाइव है तो मास एम बाय एल इंटू एल बाय फाइव है, तो बोलो क्या होगा एम डिवाइडेड बाय फाइव, कोई डाउट इसमें? तो मास इस एलिमेंट का क्या होगा एम बाय फाइव ठीक है यहां तक। तो वैसे बुक्स आपकी डायरेक्टली ये रूल लगाती हैं, ऐसे यूनिटरी मेथड नहीं लगाते, क्योंकि यूनिटरी मेथड तब लगता है व्हेन मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर ना हो डिस्ट्रीब्यूटेड तो फिर मुश्किल हो जाएगी, नहीं रूल लगेगा। तो आपको इस केस में ये बोलना है कि मेरे पास ये क्या है मास पर यूनिट लेंथ, मैंने मास पर यूनिट लेंथ को उस लेंथ से मल्टीप्लाई किया जिसका मुझे मास निकालना है, तो मुझे एल बाय फाइव का मास निकालना है, तो मास पर यूनिट लेंथ को एल बाय फाइव से मल्टीप्लाई किया एम बाय फाइव। बाकी अपना अपना तरीका है मास निकालने का, मास क्लियर है? और उसी तरीके से अगर मास पर यूनिट लेंथ स्ट्रिंग का एम बाय एल है और वो लेंथ कितनी है 4L/5, तो मास उस पोर्शन का क्या आएगा 4/5 टाइम्स एम, को डाउट इसमें? तो इसका मतलब ये हुआ इसका मास कितना हुआ 4/5 इंटू एम, और इसका मास कितना हुआ एम डिवाइडेड बाय 5। तो मास का फैसला हो गया पहले। तो आपको दो स्ट्रिंग्स गिवन है, आपको दो मासेस गिवन है, आपको टेंशन निकालनी है इनके बीच में क्या होगी। तो टेंशन निकालने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। चलो इस पोर्शन में ये टी ए, और क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है टी बी ग्रेटर देन टी ए, ये वाली टेंशन इससे बड़ी है तो पूरा सिस्टम इधर मूव करेगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो ये कितना है टी सी। उसी तरीके से ये इसका मास कितना है एम बाय फाइव, इसका मास कितना है 4/5 एम, यहां पर फोर्स कितनी है टी बी और यहां से कितनी है टी सी, और ये भी कहां मूव कर रहा है ए, ये भी कहां मूव कर रहा है ए, को डाउट इसमें? तो फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है सबको? तो मैंने आपको ये बना के दिए थे आपके सॉल्यूशन के अंदर, आपको मैंने प्रिंट आउट दिया था सॉल्यूशन का, तो आप चेक कर सकते हो ये टी सी एम ए एम बाई फाइव के सेम डायग्राम है, और इसका डायग्राम भी मैंने बना दिया। पहले वहां से शुरू करते हैं इससे, तो ये यहां मूव कर रहा है, तो टी सी इज ग्रेटर देन टी ए, तो टी सी माइनस, अच्छा यहां से टी सी माइनस टी ए इज एम बाई फाइव इंटू एक्सेलरेशन ए, ये इक्वेशन क्लियर है? और पूरी स्ट्रिंग के लिए, अगर एक इक्वेशन पूरी स्ट्रिंग के लिए लें, पूरी स्ट्रिंग है, इसके राइट की फोर्स टी बी है, लेफ्ट की फोर्स टी ए है, नेट फोर्स कितनी है टी बी माइनस टी ए, टी बी माइनस टी ए नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, तो टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, एक इक्वेशन। एक इक्वेशन फ्री बॉडी डायग्राम टी सी माइनस टी एज इक्वल टू एम बाई फाइव इंटू ए, यहां से टी सी की वैल्यू आ गई टी ए प्लस एम बाई फाइव इंटू ए, तो ये सेकेंड इक्वेशन है। आप चाहो तो यहां से टी ए निकाल लो, टी ए, या एक काम करो ए निकाल लो, ए की वैल्यू क्या होगी टी बी माइनस टी ए बाई एम, जो भी ए आएगा उसको यहां सब्सटीट्यूट कर दो, तो यहां पर ए की वैल्यू क्या आएगी टी बी माइनस टी ए
डिवाइडेड बाय एम, उस ए को यहां पुट कर दो, टी सी आ जाएगा। दिखाता हूं कैसे, पूछो। ठीक है, छोटे वाले के साथ ही लगाया फ्री बॉडी डायग्राम, वो मैंने पूरी के लिए लगा दिया, एक इसके लिए लगाया, इसके लिए लगा दिया पूरा, मेरी मर्जी। ऐसा है, एक तो इसके साथ इक्वेशन बनाई, टी सी माइनस टी ए इज इक्वल टू एम बाई फाइव इन टू ए, ये सही समझ में आ गई। दूसरे पूरी इसके साथ नहीं बनाई, इसके साथ बना दी, मतलब कि ये टी ए है, ये टी बी है, पूरी रस्सी जिसका मास कितना है एम, तो ये भी तो यहाँ मूव करेगी, तो इक्वेशन ये भी तो बनती है, टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू टोटल मास इन टू एक्सलेशन, ये कह रहा हूँ। ठीक, तो ए की वैल्यू निकालो, टी बी माइनस टी ए बाई एम, और एम बाई फाइव इंटू ए में सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, एम से एम कैंसिल, तो ये इक्वेशन आ गई, टी ए वाली टर्म एक तरफ, टी बी वाली टर्म एक तरफ, तो टी सी कैन बी कैलकुलेटेड, तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। कोई डाउट इसमें? हाँ, हम यहाँ से निकाल सकते हैं, पर आंसर नहीं आ रहा था ना, आंसर भी तो निकाल रहा है, मतलब उसने क्वेश्चन ही ऐसा बनाया कि इससे और इससे नहीं आया, इससे और इससे आ गया। अब ये तो प्रैक्टिस से ही है ना यार, तुम्हें ये भी तो देखना है कि ऑप्शन क्या पूछ रहे हैं, अपनी मर्जी थोड़ा ना कोई भी क्वेश्चन ले लेनी है, हिट एंड ट्रायल है यार बेसिकली। क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पहले क्वेश्चन इस पर बनाओगे, फिर इस पर बनाओगे, फिर टोटल पे बना दोगे, कुछ तो निकालोगे यार, जो निकालोगे देखी जाएगी, कुछ तो मौके पर भी देखोगे, ये जरूरी थोड़ी कि ये रास्ता होगा, क्या पता इनसे भी आंसर आ जाए, मैंने करके नहीं देखा पर सीधा आंसर आ गया, पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है, टेंट ट्राई है, प्रैक्टिस ही पता लगेगा। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई किया और समझ में आ गया ये क्या हुआ, समझ में आ गया? देखो कितने लोगों को लगा कि आंसर जीरो तो नहीं हो सकता, कहीं तो स्लिप करेगी रस्सी, कितने लोग आ कि जीरो ही ठीक लग रहा है, जीरो, कितनों को समझ में नहीं आया कि ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है, और कितनों को ऐसा लगा कि यार क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, हाथ ही खड़ा कर देंगे क्लास में जाके, वो ज़्यादा आसान तरीका है, नहीं ऐसा भी होता है, बहुत होता है, आठ लाइनों का क्वेश्चन में तो यही रूल चलता है। डाउट है यार, अपने आप बोलते रहेंगे, अपने आप देख लेंगे यार, एनर्जी कम लगेगी, दो लाइनों में तो फिर भी ठीक है। देखो, एक ना स्ट्रिंग है जिसका मास एम है और लेंथ एल है, मैंने क्वेश्चन ही पढ़ा के दो मिनट, मैं ना वैसे कुछ मतलब मैं आपको कुछ इस तरीके से इसे समझाता हूं कि जो माइंड में आता है, पहली चीज माइंड में मेरे ये आई, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, कि सपोज करो ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री है सपोज, और मैं आपसे ये पूछता हूं कि एक स्ट्रिंग है और फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, रस्सी ने फिसलना ही फिसलना है, मैं चाहता हूं कि रस्सी ना फिसले, तो बताओ अगर एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है तो कितनी लेंथ लेफ्ट पे और कितनी राइट पे रखूं कि ये स्लिप ना करे? हाँ, एल बाई टू, एल बाई टू, हर कोई कहेगा एल बाई टू, एल बाई टू, कोई डाउट इसमें? बिल्कुल सही आंसर। हाँ, अगर आपने इक्विलिब्रियम खराब कर दिया फिर तो स्लिपरी होएगी और नीचे आएगी। बोलो, पहला पॉइंट क्लियर है? अच्छा, मैंने फिर थोड़ा ऐसा पूछ लिया कि मैंने इंक्लाइन प्लेन ना थोड़ा चेंज कर दिया, ये एंगल तो मैंने 80 डिग्री ले लिया और ये एंगल मैंने सपोज 30 डिग्री ले लिया, अब बताओ कितनी रस्सी यहां रखूं और यहां रखूं कि स्लिप ना करे? तो यार एटलीस्ट आंसर एल बाई टू, एल बाई टू तो नहीं हो सकता, है ना? एल बाई टू तब होगा जब दोनों तरफ से सिमिट्री होगी, मानते हो इस चीज को? तो यहां पर हो सकता है आपको ज्यादा रखना पड़े या यहां पे थोड़ा कम रखना पड़े, कुछ इस तरीके से आप कुछ लॉजिक, वो क्या होगा वो तो मैं भी आंसर दे नहीं सकता, पर अनइक्वल होगा, ये बात समझ में आती है, और मुझे भी ये समझ में आ रहा है कि वहां पर अल्फा बीटा एंगल्स हैं वो अनइक्वल है, तो ये जरूरी नहीं है कि आधी रस्सी उधर हो आधी रस्सी इधर हो तभी आंसर जीरो आएगा एक्सेलरेशन का, नहीं तो आएगा नहीं, क्या पता रस्सी टिकी रहे वहां पे। और क्वेश्चन यही है कि बताओ जैसी आप इसे यहां रखोगे, बताओ इसकी इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगी, मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है कि रस्सी फिसलेगी तभी पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगी, लेकिन आपको एक हिंट गिवन है इसमें, हिंट ये गिवन है कि ये जो हाइट है, मतलब ये जो एंड हो रहा है ये स्ट्रिंग का, ये हाइट h है, मतलब ये जो हाइट है वो h है, मतलब यहां से लेके ये हाइट दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम है। अब बताओ कि इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगी, ये क्वेश्चन है। फिर सेकेंड लॉजिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये भी आना चाहिए आपके माइंड में, रस्सी फिसलेगी क्यों? कोई कहेगा सर फ्रिक्शन नहीं है, तो फिर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या फिर रस्सी नहीं फिसलेगी या फिसल जाएगी?
तो एक चीज ये भी समझनी पड़ेगी कि अगर आपके पास कोई इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर सपोज कोई भी ब्लॉक है या कोई भी रस्सी है, कुछ भी है, इसका मास एम है और ये एंगल एल्फा है, तो बोलो कौन सी फोर्स इसको डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी ताकि ये फिसले? बोलो क्या एम जी? नहीं, एम जी साइन अल्फा। कोई डाउट इसमें? तो एम जी साइन अल्फा फोर्स विल एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग। एम जी नहीं बोलना, एंगल पे भी डिपेंडेंट है। तो हमने किया था एम जी, एम जी कॉस अल्फा, एम जी साइन अल्फा। तो एम जी साइन अल्फा एक ऐसी फोर्स है जिसको नीचे लेके जाएगी, और ऐसी अगर ये एंगल क्या होगा बीटा, और सपोज इसका मास रस्सी का इस हिस्से का एम डैश, तो एम डैश जी साइन बीटा। कोई डाउट इसमें? उधर का मास अलग है, इधर का मास अलग है, तो उधर का वेट का कंपोनेंट अलग है, इधर का वेट का कंपोनेंट अलग है। तो वेट के मैंने कंपोनेंट्स लिए एम जी साइन वाले। अब इनमें से जो भी बड़ा होगा उस तरफ रस्सी फिसलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो रूल नंबर वन समझ में आया कि अगर मैथमेटिकली कोई पूछे कौन सी फोर्स इसको नीचे स्लिप करवाएगी, अब एम जी ना बोलना, आप एम जी साइन एल्फा या एम जी साइन बीटा जो भी होगा वो बोलना। कोई डाउट इसमें? ठीक, ये समझ में आ रहा है। अब अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मेरे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मुझे नहीं पता कि लेंथ इक्वल है अनइक्वल है, अनइक्वल मान के चलूंगा। तो मैंने सबसे पहले ना लेंथ निकाल ली इस क्वेश्चन में। लेंथ निकालने के लिए क्या किया, एक लाइन खींची हुई है, एल्फा एल्फा कॉरस्पॉन्डिंग है और ये हाइट एच है। मान लो यहाँ की लेंथ एल वन है, तो मैंने साइन एल्फा इज इक्वल टू एच बाई एल वन कर लिया। एच क्या आ गया? एल वन साइन एल्फा। और ऐसी इसी ट्राइंगल में साइन बीटा इज इक्वल टू एच बाई एल टू कर लिया, एच इज इक्वल टू एल टू साइन बीटा। एच और एच की वैल्यू को इक्वेट कर लिया, तो एल वन साइन एल्फा किसके इक्वल आ गया? एल टू साइन बीटा। कोई डाउट इसमें? इसको दो मिनट संभाल के रखेंगे। लेंथ की रेशियो आ गई हमारे पास या लेंथ की वैल्यूज आ गई, तो हम क्या करेंगे इन लेंथ की वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंगली हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे। तो सबसे पहली चीज इसमें हमें क्या करना है, एक सेकंड, देखो क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? पहले ये बताओ फर्स्ट स्टेप यहां तक ठीक हो गया ना? आगे देखो। अब सपोज करो जैसे ये एंगल कितना है अल्फा, ये एंगल कितना है बीटा। तो इस केस में ये स्ट्रिंग है, मान लेते हैं लेंथ एल वन है, मान लेते हैं ये एल टू है। अच्छा, एल वन पोर्शन का पहले मास निकाल लें। अगर लेंथ पूरी स्ट्रिंग की एल है तो मास कितना है एम है, वन है, तो एम डिवाइडेड बाई एल है। और अगर लेंथ L1 है तो M डिवाइडेड बाई L इंटू कितना L1 है, तो मास M1 कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड? पूरी रस्सी की लेंथ अगर L है तो मास M है, 1 है तो M बाई L है, और अगर L1 है तो M बाई L इंटू L1 है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक?
और ऐसे ही अगर एम टू निकालना है, सीधा आंसर लिख दूं एम बाय एल इंटू एल वन की जगह एल टू। तो यहां पर नीचे की तरफ अगर इसका मास एम वन है, कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, एम वन जी साइन एल्फा, और ऐसी नीचे की तरफ क्या एक्ट करेगी, एम टू जी साइन बीटा। तो एम वन जी साइन एल्फा, एम टू जी साइन बीटा, कोई डाउट इसमें। हम ये मान लेते हैं, मर्जी आपकी है, आप उल्टा भी मान सकते हो, मैं ये मान लेता हूं कि बॉडी मान लो ऐसे मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन नेट क्या होगी, बड़ी फोर्स, बड़ी फोर्स बोलो कितनी है, एम टू जी साइन बीटा, माइनस छोटी फोर्स एम वन जी, एम वन जी साइन एल्फा डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक और काम कर दो, लास्ट स्टेप है, एम टू की जगह एम टू की वैल्यू पुट कर लो, और एम टू की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, एम बाय एल इंटू कितना, एल टू जी साइन बीटा, माइनस एम वन की जगह एम बाय एल इंटू एल वन इंटू जी साइन एल्फा डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। अब मेरे को यह समझ में आ रहा है कि एल टू साइन बीटा इज इक्वल टू एल वन साइन एल्फा, चेक करो एल वन साइन एल्फा एल टू साइन बीटा, और बाकी तो इसमें है ही कॉमन, एम बाई एल इंटू जी कॉमन आ गया, तो यहां से एम एल जी कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, एल टू साइन बीटा माइनस एल वन साइन बीटा, इनकी वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम है, तो एक्सेलरेशन नेट क्या जाएगी, जीरो। तो आपके सामने है, दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गई, ठीक है, यहां तक दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गई, तो इनिशियल एक्सेलरेशन इसका मतलब क्या आएगी, जीरो। कोई डाउट इसमें? तो फिर एक शॉर्टकट सुनो, अगर एक रस्सी की हाइट ऊपर से सेम है, जैसे एच हाइट पर थे ना सब कुछ, तो रस्सी स्लिप नहीं करेगी, एक्सेलरेशन जीरो होगी। हम इसको इस तरीके से भी करेंगे आने वाले टाइम में कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड के लेवल से सेम है, हाइट सेम है, इस वजह से दोनों में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा और नेट एक्सेलरेशन जीरो ही आएगी स्टार्टिंग में, पर हम वो एनर्जी में करेंगे जब हम करेंगे चैप्टर अगले महीने, अभी नहीं करेंगे। अभी ये लॉजिक समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन जीरो कैसे प्रूव की मैंने, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक? ठीक है, कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया और कितनों को नहीं समझ में आया, डाउट है? क्या आपको ऐसा लगा इस क्वेश्चन को करते हुए कि क्या ही हमने क्वेश्चन किया है? तो क्वेश्चन पढ़ने लग गया, ट्राई नहीं की, देखो बारा नहीं, देखो ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है और मैं ये कम से कम चौथी बार क्वेश्चन कर रहा हूं कि अगर एक वेज इसको मैं एक्सेलरेट करवाऊं सच दैट ये ब्लॉक नीचे ना आए, तो क्या करते थे कि इसको आप एक्सेलरेशन देते हो तो पीछे की तरफ क्या लगती है, इस पे सूडो फोर्स,
थीटा थीटा सेम एम ए कॉस थीटा एम ए साइन, याद है एम जी साइन थीटा। और हमने किया था अगर ये फोर्सेस के इक्वल हो जाए तो बॉडी नीचे नहीं आएगी, पर इसमें नहीं इक्वालिटी गिवन है, इक्वल नहीं गिवन, कोई बात नहीं, कम ये फोर्स इसके इक्वल हो जाए या ग्रेटर हो जाए तो भी नीचे नहीं गिरेगी, पर अगर ये फोर्स ग्रेटर हो जाए फिर नीचे गिरेगी। तो हमें इन इक्वालिटी में करना है तो एम ए कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा, तो आंसर आ जाएगा जी टेन। अब तो आंसर रट जाना चाहिए जी टेन अल्फा जी टेन थीटा, काफी बार कर लिया नहीं, ठीक है बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। कितने लोगों ने ट्राई किया और समझ में आ गया ये क्या हुआ, आ गया समझ में? चलो देखते हैं, देखो और कितने लोगों को लगा क्वेश्चन देखते हैं कि यार लाइनें लंबी हैं, एक दो तीन चार, हाँ सात आठ लाइनों का क्वेश्चन है, ऐसे लगा इरिटेशन होती है, देखो करना पड़ेगा यार लॉजिक है। देखो एक स्ट्रिंग है नेग्लिजिबल मास, पुली के साथ अटैच होता है, वन एंड ऑफ द रोप इज हेल्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ मास 70 केजी एंड सेकेंड एंड ऑफ मास 60 केजी, 60 केजी का मास रेस्ट पे थोड़ा ऊपर लटका हुआ है ऐसे इसके ऊपर, हु इज सस्पेंडेड एट रेस्ट अबव द फ्लोर, दिख रहा है आपको ये, इमेजिन कर पा रहे हो? तो कह रहे मिनिमम, वर्ड मिनिमम को अंडरलाइन कर लेना, मिनिमम एक्सेलरेशन ए नॉट विद विच स्टूडेंट बी शुड क्लाइंब अप, बी स्टूडेंट को कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर हम क्लाइंब करवाएं ताकि ए स्टूडेंट अपवर्ड मींस बस इस ग्राउंड को का कॉन्टेक्ट छोड़ दे, वो ये नहीं चाहता कि उड़ता हुआ जाए या बहुत तेज जाए, वो कहते हैं बस जमीन छोड़ दे, फ्लोर छोड़ दे। पहले मुझे एक बात बताओ, पॉसिबल है यार 60 किलो का बंदा 70 किलो के बंदे को उठाएगा कैसे, पहले ये बताओ, लटका ही नहीं रह जाएगा हवा में, है पॉसिबल? ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया? कब? जब वो क्या करेगा, ज्यादा एक्सेलरेट करेगा। हमने मंकी वाले क्वेश्चन किए थे पिछली बार, अगर मंकी एक्सेलरेट करता है ना तो टेंशन इंक्रीज हो जाती है, जितनी ज्यादा हाई एक्सेलरेशन होगी टेंशन उतनी ज्यादा होगी, और टेंशन जब यहां जनरेट होगी वो टेंशन यहां भी जाएगी, वो टेंशन एक फोर्स है, रस्सी की फोर्स है, अगर वो रस्सी की फोर्स इसके वेट के इक्वल या उससे बड़ी हो जाती है बंदा हवा में आ जाएगा, यानी कि उसको बहुत तेज एक्सेलरेट करना पड़ेगा, ऐसे लटक के नहीं उठा सकता, ये तो बात पक्की है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, एक्सेलरेट करके टेंशन कैन बी इंक्रीज, समझ में आता है। अब कोई कहेगा सर बहुत तेज चढ़ा दो, बहुत तेज, बहुत बहुत तेज, अपने आप ही टेंशन बढ़ जाएगी, अपने आप उठ जाएगा। भाई मेरे को बहुत तेज नहीं चलाना, मेरे को मिनिमम एक्सेलरेशन देनी है, कम से कम कितनी एक्सेलरेशन हो कि ज्यादा ही भी ना ऊपर उठ जाए कहीं, बस उसका अगर 1 सेंटीमीटर भी पैर हवा में उठ गया ए वाले का तो समझो उठा माना जाएगा, बस उठाना ही है उसे। तो मुझे एक बात बताओ कि इस जो स्टूडेंट ए है यहां पर टेंशन इसे उठाएगी क्योंकि रस्सी में टेंशन जनरेट होगी, टाइट हो जाएगी रस्सी, तो यहां पर जो टेंशन होगी वो कम से कम किसके इक्वल होनी चाहिए? इसका वेट कितना है? 70 जी, जी का मतलब वैल्यू 10 है, तो 70 × 10 700 न्यूटन, तो इसके अंदर टेंशन कम से कम कितनी होनी चाहिए? 700 न्यूटन, उससे कम भी उठेगा भी नहीं, पर कुछ लोग दूसरे बैच में कहते हैं 700 न्यूटन पे भी कैसे उठेगा, 700 न्यूटन से चाहे 701 न्यूटन कर दो फिर उठा माना जाएगा, 700 पे तो कैंसिल ही हो जाएगी नेट फोर्स जीरो। कितने आप भी ऐसे सोचते हैं? मैंने कहा कि 700 न्यूटन पे तो 700 न्यूटन टेंशन पे तो ये वेट के इक्वल होगी टेंशन, थोड़ी सी ज्यादा कर दो 700 से थोड़ी सी ज्यादा ताकि अपवर्ड फोर्स ज्यादा हो जाए, डाउनवर्ड फोर्स कम हो जाए, एटलीस्ट उठने लायक हो जाए। कितने लोग एग्री करते हैं? सही है, गलत तो नहीं हो, ठीक सोच रहे हो, सही है। बट हम फिजिक्स में एक केस मानते हैं जिसको लिमिटिंग केस बोलते हैं। ये लिमिटिंग केस क्या होता है?
मुझे पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर उसको डिस्कस करेंगे। लो क्वेश्चन है कि सपोज आपके पास ना एक ब्लॉक है और आपने 100 न्यूटन की फोर्स टूवर्ड्स राइट लगाई, और मान लो इस बार फ्रिक्शन भी है और फ्रिक्शन इसको अपोज कर रही है। हमने की नहीं, अगली बार हमने शुरू करनी है। फ्रिक्शन अपोजिशन में है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 100 न्यूटन है, लेट अस सपोज। बोलो बॉडी चलेगी आगे कि नहीं चलेगी? कितने लोग बोलते हैं नहीं चलती, कितने लोग बोलते हैं चलती है, कितने लोग सोच रहे हैं कि चल भी सकती है नहीं भी चल सकती? नहीं चलेगी, मैंने पूछा ये, वो बोले कि नहीं चलेगी, वो भी बोले नहीं चलेगी। तो मैंने पूछा क्यों नहीं चलेगी, वो बोलते हैं कि 100 न्यूटन की फ्रिक्शन ओवरकम करने में खर्च हो गई पूरी, फिर एक्स्ट्रा कुछ तो दो जो आगे बॉडी मूव करे, क्योंकि 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, तो नेट फोर्स क्या हो गई? जीरो। आपने भी ये बोला कि नेट फोर्स की वैल्यू इसमें क्या आ गई, 100 में से 100 गया जीरो, सही है। नेट फोर्स जीरो का मतलब नेट एक्सेलरेशन क्या आई? जीरो। नेट एक्सेलरेशन के दो मतलब है, या तो वेलोसिटी या वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल सकती है, एक्सेलरेट नहीं करेगी, हल्की सी हिल जाएगी बट कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन जीरो के दो मतलब है, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तब भी एक्सेलरेशन जीरो मानी जाती है। तो याद रखना, जब भी एक बॉडी की राइट और लेफ्ट की फोर्स इक्वल हो जाए तो कई क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट लगाएगा कि वो चलेगी नहीं। आपने देखा एम जी साइन थीटा एम ए कॉस थीटा वो इक्वल हो जाती है, ब्लॉक नीचे नहीं स्लाइड करता, पर कभी कभी वो क्या कहता है, वो चल पड़ेगी विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा। बट ये नहीं कहें कि बिल्कुल भी नहीं चलेगी, हो सकता है वो चल पड़े विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, वो क्वेश्चन पूछने वाले का जो तरीका होगा वही आपको बता पाएगा, क्लियर। इसको लिमिटिंग केस बोलते हैं, लिमिटिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो गई है, और इसके दो मतलब है, या तो वो चल पड़ेगी या फिर वो रेस्ट पे भी रह सकती है, दो ही मतलब है इसके, कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमा मिनिमा जैसे, हाँ वो मैं समझ रहा हूँ कैसे सोच रहे हो, पर वैसा तो नहीं, बट दो केस हो सकते हैं, हाँ ऐसे कुछ। पॉइंट क्लियर है? तो हम ये ना कहें कि बराबर हो गई फोर्स तो चलेगी नहीं, चल सकती है पर एक्सेलरेट नहीं करेगी, ये बोल सकते हो, चल सकती है बट एक्सेलरेट नहीं करेगी, राइट। तो अब सपोज करो कि इसका नीचे का वेट कितने, 700 न्यूटन, और मैं अगर फोर्स कम से कम कितनी दूं, 700 न्यूटन, तो अब ये ना कहें ये हिलेगा नहीं, ये हिल भी सकता है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसने ये तो नहीं कहा एक्सेलरेट करवाओ, वो तो कहता है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाओ। तो लिमिटिंग केस यूज करेंगे, कम से कम वैल्यू देंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू मिनिमम निकालनी है, तो कम से कम वैल्यू यही हो सकती है, कम से कम इसके इक्वल तो करो, तो इक्वल करके ही काम चल जाएगा हमारा, नहीं तो फिर अगर ज्यादा ही है नहीं तसल्ली होती तो ऐसे कर लो 700.00000001 न्यूटन कर लो, बढ़ानी थी ना थोड़ी सी और बढ़ा लो, और क्या कर सकते हो, फिर कैलकुलेशन कौन करेगा इतनी इस लेवल की जो अप्रोचिंग टू जीरो जा रही है, तो अप्रोक्सीमेटली 700 न्यूटन ही लेंगे। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो इस केस में फ्री बॉडी डायग्राम 70 kg, 60 kg, 70 g, 60 g, तो मुझे पता है कि अगर इसको ऊपर चढ़ना है तो यहां रस्सी में टेंशन कम से कम कितनी होनी चाहिए इसको उठाने के लिए, एग्जैक्टली 700 न्यूटन, क्योंकि ये भी 700, ये भी 700, तो टेंशन की वैल्यू पता लग गई 700 न्यूटन, इससे कम तो नहीं चलेगा। तो यहाँ टेंशन 700 न्यूटन है, ये मैन कहाँ चल रहा है, ऊपर, ऊपर चल रहा है, तो ऊपर की फोर्स बड़ी, नीचे की फोर्स छोटी, ऊपर की फोर्स कितनी है 700, नीचे की कितनी है 60 g, तो इक्वेशन क्या बनेगी एक्सेलरेशन की, 700 - 60 g, 700, ये ऊपर जा रहा है मैन, ऊपर की फोर्स बड़ी नीचे की छोटी, 700 - 60 g इज 60 × एक्सेलरेशन ए, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, तो 700 - 60 g इज 60 × a, तो यहां से जी की वैल्यू 10 पुट कर दो 600, सॉल्व कर लो, ए की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, तो एक्सेलरेशन कैन बी, तो असली कॉन्सेप्ट इसमें यही था कि 700 न्यूटन की टेंशन आपको देनी पड़ेगी उसको उठाने के लिए, और कोई तरीका नहीं है, कोई डाउट इसमें? हाँ, मतलब ये हल्का सा उठ जाएगा इसमें, फ्रिक्शन तुमने ली नहीं ना, फ्रिक्शन ले ही नहीं रहे, अगले लेक्चर से फ्रिक्शन आएगी, निगलेक्ट, सब निगलेक्टेड, जब तक ये चैप्टर, अभी जब तक मैं नहीं बोलूंगा फ्रिक्शन नहीं लेने,
ठीक है यहां तक? ठीक है, कितने लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई किया और समझ में आ गया? समझ में आ गया। और कितनों ने ट्राई किया नहीं समझ में आया? अभी नहीं समझ में आया, ये भी स्टेटमेंट लंबी थी इसमें भी ना। देखो, अ बैलून इज टाइड टू अ ब्लॉक, एक बैलून है और वो एक ब्लॉक के साथ अटैच्ड है, और द मास ऑफ द ब्लॉक इज 2 kg, ब्लॉक का मास कितना है? 2 kg का ब्लॉक है। टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन द बैलून एंड ब्लॉक इज गिवन, 30 N की टेंशन है इसमें, थीटा आपको गिवन है, कॉस थीटा चाहिए होगा पुट कर लेना, साइन थीटा चाहिए होगा पुट कर लेना, ज्यूम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, ऑल्सो ज्यूम ब्लॉक इज स्मॉल, सो द फोर्स ऑन द ब्लॉक फ्रॉम द विंड कैन बी इग्नोर्ड, कह रहा है कि विंड इस पे तो कम से कम कोई जोर नहीं लगा सकती, बैलून को उसने जरूर टेढ़ा कर दिया, ठीक, तो ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं है, बैलून के ऊपर फोर्स है, मतलब टेढ़ा कर दिया उसने, तो सिचुएशन आपके सामने है, और द एक्स कॉम्पोनेंट एंड द वाई कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू, तो ब्लॉक तो उड़ रहा है साथ में, ये राइट भी जा रहा है और ये ऊपर भी जा रहा है क्योंकि टेंशन फोर्स लग रही है इस पे और इसको टेढ़ा लेके जा रही है, आपको दो एक्सेलेरेशन देनी है, एक्स के अलोंग कितनी और वाई के अलोंग कितनी है। तो सबसे पहली चीज, स्ट्रिंग टेढ़ी दिख रही है, टेढ़ी स्ट्रिंग में सबसे पहले टेंशन के क्या बनते हैं, दो बनाओ, सबसे पहले टेंशन टी बना लो, टेंशन पेयर में लेना प्लीज, यहाँ भी एक वेक्टर ड्रॉ करो टी एंड टी, मैंने वैसे एक ही यूज किया क्योंकि मेरे को यूज एक करना है, अदरवाइज हम पेयर में बनाएंगे, कोई डाउट इसमें? तो टेंशन टी पेयर एंड पेयर, तो टी के दो कॉम्पोनेंट है, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, क्लियर है, डायग्राम समझ में आ रहा है, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा भी ठीक, हवा चल रही है इस तरफ, अब मुझे ये बताओ कि इसमें टी कॉस थीटा टी साइन थीटा के हिसाब से एक्स एक्सिस में टेंशन कितनी लगेगी, टी साइन थीटा, वाई एक्सिस में क्या लगेगी, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा की वैल्यू चेक कर लें, टी 30 है, साइन थीटा 3/5 है, 18 N, और टी कॉस थीटा में टी 30 है, कॉस थीटा 4/5 है, तो 24 N। मुझे पहले ये बताओ एक्स एक्सिस में कौन सी फोर्स लग रही है, सिर्फ टी साइन थीटा, दैट्स इट, और टी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 18, तो आप फोर्स को मास से डिवाइड कर लो तो एक्सेलेरेशन आ जाएगी, तो एक्स एक्सिस की एक्सेलेरेशन तो मेरे ख्याल से क्लियर है, एक्स एक्सिस की एक्सेलेरेशन 18 डिवाइडेड बाय कितना, 2 कर लो इसे, तो आंसर आएगा 9, एक्स का केस क्लियर है, वाई एक्सिस में कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही है बोलो, एक टी कॉस थीटा और दूसरी वेट, बनाओ यहां mg 2g बनाओ नीचे की तरफ, 2g बनाया नहीं मैंने इसमें, तो एक इसमें टी ऑफ कॉस थीटा और एक 2g, कोई डाउट इसमें? अब ठीक है, टी कॉस थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 24 N, कहां एक्ट कर रही है, ऊपर, और 2g कहां एक्ट करेगा, नीचे, 2 × g, अगर 10 है तो कितना हुआ, 20, तो ऊपर एक्ट करेगा 24, नीचे एक्ट करेगा 20, तो नेट फोर्स कितनी है, 24 में से 20 गया 4, कहां पर, अपवर्ड, कोई डाउट इसमें? मैं समझा नहीं, फिर से, ग्राउंड पे पड़ा था, पर अगर नेट फोर्स ऊपर है तो उड़ जाएगा ऊपर, अगर नेट फोर्स ऊपर की तरफ से ऊपर चला जाएगा, वो तो करके देखना पड़ेगा, मुझे तो खुद नहीं पता वो कहां जा रहा है, मैं तो बता रहा हूं कि ऊपर की फोर्स 24 है, नीचे की 20 है, 24 माइनस 24 4 N की फोर्स ऊपर है कर रही है, तो उड़ेगा क्यों नहीं उड़ेगा, नेट फोर्स है, तो वाई एक्सिस में नेट फोर्स कितनी है, 4, 4 को मास से डिवाइड किया तो एक्सेलेरेशन कितनी आ गई, 2, ठीक, तो इसका मतलब वाई एक्सिस की नेट फोर्स अपॉन मास इज वाई एक्सिस की एक्सेलेरेशन, एक्स एक्सिस की नेट फोर्स अपॉन मास इज एक्स एक्सिस की एक्सेलेरेशन, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है, ठीक, कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं किया तो नहीं किया ये, सिमिलर तो पुलिस के बहुत किए, फिर ऐसे तो पुलिस तो बहुत की, मिलता जुलता किए, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये,
और मैं एक्सपेक्ट करता था कि ये होना चाहिए वैसे। बस ये बताओ कि टेंशन रस्सी कितनी नजर आ रही है, एक पुलिस फिक्स्ड है तो टेंशन सेम रहेगी, सेम रहेगी। टीएनटी टीएनटी टीएनटी, इसका वेट नीचे एमजी और इसका एमजी एमजी साइन थीटा एमजी कॉस, हम इंटरेस्टेड है एमजी साइन थीटा, तो आप चेक कर सकते हो फ्री बॉडी डायग्राम में। टीएनटी टीएनटी टीएनटी, एमजी के दो कंपोनेंट एमजी कॉस थीटा एमजी साइन थीटा, राइट। तो ये ब्लॉक कहां आ रहा है, नीचे। ये ब्लॉक कहां जा रहा है, नीचे। इसकी इक्वेशन बोलो, एमजी माइनस टी इज एम इनटू ए, फर्स्ट इक्वेशन। इसकी इक्वेशन बोलो, यहां दो वेक्टर नीचे हैं, टेंशन भी नीचे है और एमजी साइन थीटा भी नीचे है, तो टोटल नीचे की फोर्स बोलो, टी प्लस एमजी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इनटू ए। कोई डाउट इसमें, तो आप चेक कर सकते हो एक इक्वेशन इसके लिए mg माइनस टी इज एम ए, दूसरी इक्वेशन t प्लस mg साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, ऐड करोगे t एंड t कैंसिल, साइन थीटा की वैल्यू पुट करोगे mmm कैंसिल, a आ गया। a को किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो t आ गया, दो आंसर है, a भी है और t भी है, दो आंसर आएंगे इसके। पॉइंट समझ में आया, मास सेम है, क्यों है सेम, क्यों है, पहली लाइन यही तो है, ऑफ इक्वल मास। ठीक, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो ये असाइनमेंट खत्म करते हैं, ठीक। तो मेरी एक और असाइनमेंट खत्म हो गई, 12वीं असाइनमेंट हो गई मेरी फिर से।